नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिस वजह से विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार कलिया शरीफ में साबिर पार की दरगाह को बंद कर दिया गया था, लेकिन लंबे अरसे बाद एसडीएम के आदेश अनुसार दरगाह को खोला गया है। और वही महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिस वजह से विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार कलियर शरीफ में साबिर पार्क की दरगाह को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन लंबे अरसे के बाद एसडीएम रुड़की नमामि बंसल के आदेश अनुसार शुक्रवार को जुमा नमामि बंसल के द्वारा साबिर पार्क की दरगाह को खोला गया और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसी के साथ बाहर से आए जायरीनों के रजिस्टर एंट्री की जा रही है। सभी जायरीनों के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वहीं साबिर पार्क दरगाह खोलने के बाद ही कलियर के बाजारों में भी रौनक दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। ये कलियर शरीफ साबिर पार्क दरगाह खोली गई है, क्या क्या यहाँ पे इंतजाम की तरफ से किए गए हैं? देखिए, दरगाह साबिर पार्क जो है, आज एसडीएम साहब हमारे रुड़की के नमामि बंसल हैं, वो आई थी और उनके द्वारा दरगाह साबिर पार्क खोली गई है। और यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी हमारे पीआरडी के जवान तैनात किए गए हैं, जो जायरीनों सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंस कम से कम लगभग दो फुट के करीब सोशल डिस्टेंस रहेगा और 5-5 लोग छोड़ेंगे हम यहाँ से। और जब 5 आदमी ज्यादा करके निकल जाएंगे तब हम अगले नेक्स्ट 5 लेंगे। और सैनिटाइजर वगैरह और मास्क वगैरह क्या हो आपको? मास्क जो भी अंदर एंट्री करेगा 5 लोगों में, सब पे मास्क अनिवार्य है। जिस पे मास्क नहीं लगा हुआ उसे हम बाहर निकाल देंगे। आपकी तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि आज साबिर पार्क की दरगाह खोली गई है? हमारे पास सैनिटाइजर का माकूल इंतजाम किया गया है, एक रास्ते से आने का और दूसरे रास्ते से निकलने का। हर आने वाले जायरीन का नाम पता एंट्री की जा रही है, उसके फ़ोन नंबर तक एंट्री किए जा रहे हैं और साथ में हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमारे पीआरडी के जवान पूरी लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, प्लस हमारा थाना पिलान कर लिए भी इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। बाकी लोग भी अपनी अपनी जगह अलर्ट पोजिशन पर काम कर रहे हैं। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।